देखिए माँ काली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और यहाँ का सभी कारखाना जब ठंडा हो गया तो ये पूरा गरम गरम के साथ मिस्त्रियों का बारिश और बताशा मशीन 4 दिन बाद टेस्टिंग करेंगे। कढ़ाई भी आ गया, देखिए ये चाचना जो रॉस बोलते हैं चाचना इसमें दे जाएगा। और हम चाचना का बारे में जो रॉस प्रक्रिया जो बोलते हैं पाक जो बोलते हैं वो जानता भी नहीं, फिर भी टेस्टिंग करेंगे क्योंकि देखना है कितना परसेंट ये सही और ठीक तरीका से निकल रहा है। बहुत सारे मिस्त्री और सभी ऑलराउंडर मिस्त्री है। और देखिए गपन कक्ष में ये बताशा मशीन तैयार हो रहा है, जगह चेंज कर दिया ये देखिए। और रेडी होने के लिए 4 दिन बाकी है। बहुत सारे अभिज्ञ मिस्त्री पड़ा हुआ। और देखिए पोहा मशीन एकदम हैवी ड्यूटी का पोहा मशीन यही पर बनता है, कोई देश और विदेश से खरीद कर लेकर रंग चढ़ाने का व्यवसाय हम नहीं करते। देखिए नॉर्मल पोहा मशीन कलर किया हुआ पोहा मशीन ये यहाँ बनाकर जो बेचते हैं वही पोहा मशीन। बंगला पेन जो बोलते हैं यही थोड़ी चक्का और थोड़ी देर वेट करिए। लगभग हम सोच रहे हैं कि 1.5-2 लाख में ही हो जाएगा, ना रहेगा कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स, ना रहेगा कोई एसी, ना रहेगा कोई डीसी और ना रहेगा कोई गड़बड़ कि आप लेकर जाइए और फिर खराब हो जाएगा, ऐसा चीज़ हम नहीं रखते। क्योंकि माकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप जो चीज़ हम कस्टमर के ऊपर देते हैं, कस्टमर चला के व्यवसाय को ग्रोथ कर सके, फिर वो माकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप को याद रखे, यही व्यवसाय का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। और कम दाम में सही माल और सही मशीन मिले यही हमारा एम्बिशन है। और मुरमुरा मशीन का रॉस बहुत सारी माकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, इसलिए रॉस बहुत कमा दिया, इसमें डाउटफुल नहीं है, बहुत आशीर्वाद दिया। और ये बताशा मशीन हम देख रहे हैं कितना सही है, हम बोल देगा कि हाँ सही हुआ, आप आइए, हैरेसमेंट हम नहीं करेंगे। और इंतज़ार करिए, इंतज़ार का घड़ी आ चुका है। 1 मास हम टाइम दिया था लेकिन इतना काम के बावजूद हम इसको अलग जगह पर शिफ्टिंग किया क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, एकदम कंजस्टेड एरिया है। देखिए पोहा मशीन बनाने का फिर भी छोड़ दिया। और एक कारखाना हम 1000 बार बोल चुके हैं कि शौक का कारखाना है, 1000 बार बताशा मशीन हम बोले थे कि सक्सेस नहीं होगा, नहीं है। और कोई बेच रहा है तब भी हम बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल्ली सक्सेस नहीं है। जितना आप देख रहा है वैसा ही बनेगा लेकिन डुप्लीकेट नहीं बनेगा, और वैसा ही कितना सक्सेस है वो हम रिसर्च करके आपको बताएंगे, वीडियो भी छोड़ेंगे, कंटिन्यू वीडियो छोड़ेंगे एक ही बार में। और फिर आइए, ट्रेनिंग लेने का कोई ज़रूरत नहीं, आप कारीगर है तो आप बताशा मशीन खरीदना चाहते हैं तो एक कारीगर लेकर आइएगा, और कारीगर है तो झप से पकड़ लेगा। और बताशा मशीन का हमारा
खराब है, अच्छा है, बुरा है, कितना परसेंट सही है, वो आप फीडबैक देके सभी कस्टमर को बताइए। और थैंक यू, अच्छा रहिए, आनंद लेते जाइए और व्यवसाय में टेंशन जरूरी है लेकिन संपर्क खराब नहीं होना चाहिए। व्यवसाय में कंपटीशन क्वालिटी कितना सही है, कितना परफेक्ट है, कितना कम दम में मिल रहे हैं, कंपटीशन सभी को करना पड़ेगा, करना चाहिए। जैसा लिखा पढ़ा में होता है कि वो पढ़ रहा है हम भी पढ़े, वो पढ़ रहा है हम भी पढ़े, ऐसा टेंशन रहना चाहिए। और कौन किस कारखाना में बताशन मशीन कितना सक्सेसफुल है, कितना सही है, कितना परसेंट सही है, वो आप विचार करिए। थैंक यू, भलो थकबें, धन्यवाद, सुखे थकबें।